गुड मॉर्निंग बच्चों, आर से एजुकेशन आपके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है पूर्ण विराम, कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं। पूर्ण विराम क्या होता है? किसी भी वाक्य को हम बोलते समय या लिखते समय अंत में रुकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है वो देखते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में किया जाता है। जो पूर्ण विराम चिन्ह है इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। प्रश्नवाचक, जो प्रश्न जहाँ प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य को छोड़कर। सभी प्रकार के वाक्य के अंत में विराम चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे सुबह का समय था, वह कितना सुंदर चित्र। जहां पूर्ण विराम जितनी देर ना रुककर उससे थोड़े कम समय के लिए कुछ कम समय के लिए रुकना हो वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तथा इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे जैसे देखिए, भगत सिंह नहीं रहे, न
सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। ये जो सारे सब विराम चिन्ह, जैसे पूर्ण विराम का प्रयोग क्या किया जाता है, वाक्य के अंत में किया जाता है, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी वाक्यों के अंत में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अर्ध विराम चिन्ह जो पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना होता है, लेकिन ये वाक्य के बीच में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अर्ध विराम चिन्ह से भी कम समय के लिए जहां रुका जाता है वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इसे क्या कहते हैं, कोमा भी हम कहते हैं। जैसे कोई दो शब्द होते हैं उनके बीच में जब अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं, वैसे हम इनको जो देसी भाषा होती है, हम हमारे भाषा में क्या बोलते हैं, कोमा इसे बोलते हैं। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय रुकने पर किया जाता है। समान पदों को अलग करने उपवाक्यों को अलग करने से पूर्व अब इसमें जो ये जो चिन्ह है ये अल्प विराम ही है। जैसे इसमें आ गया इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने उपवाक्यों को अलग करने, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर कौन से चिन्ह का उपयोग हो रहा है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। उद्धरण से पूर्व संबोधन व अभिवादन बाद आदि स्थानों पर किया जाता है। जैसे ठीक है, ये हमारे जो तीन विराम चिन्ह हो गए और बाकी के जो विराम चिन्ह है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।